भैया फाइनली BGMI लॉन्च हो चुका है इंडिया में। आप सब लोगों ने तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस गेम को आप गेम पैड से कैसे खेल सकते हैं, कौन कौन से ऐप हैं जिनकी सहायता से आप इस गेम को गेम पैड से खेल सकते हैं, उनमें से सबसे अच्छा ऐप कौन सा है, कौन सा ऐप 100% बैन सेफ है, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो भैया अगर आपने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि BGMI यानी कि PUBG मोबाइल को आप कैसे कीबोर्ड और माउस से खेलें, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि इस गेम को आप ऑक्टोपस और टेंशन गेम बडी से तो नहीं खेल सकते, तो फाइनली इस ऐप को तो आप हटा ही दीजिए यहाँ से। उसके बाद हमारे पास चार ऐप बचते हैं, पहला है पांडा और गेम पैड प्रो, दूसरा है मैंटिस गेम पैड प्रो, तीसरा है शानवान गेम पैड और चौथा है मंकी गेम पैड। तो इन चारों ऐप से आप BGMI खेल सकते हैं, इनमें आप और चारों ऐप आपके लिए 100% बैन सेफ भी ऐप हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा ऐप कौन सा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको इनमें से गेम प्ले करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पांडा गेम पैड प्रो से। तो पांडा गेम पैड प्रो से भी आप BGMI खेल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये क्लोनिंग से नहीं चलाता, सैंडबॉक्स में नहीं चलाता, ये डायरेक्ट गेम को ओपन करता है, तो इसमें आपकी बैन होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आप PC से कर सकते हैं, मोबाइल टू मोबाइल कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड 9-10 है और उसमें वायरलेस ADB डिबगिंग इनेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं कैसे एक्टिवेट करना है, और रिसेंटली मैं इसे एंड्रॉयड 11 में कैसे एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद आप गेम पैड कनेक्ट करके इसे आप चला सकते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको पांडा का आइकन मिल जाएगा। तो मेन बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि BGMI का पैकेज नेम चेंज हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे की मैपिंग देखने को नहीं मिलेगी पांडा गेम पैड प्रो में। तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा दोस्तों, हर एक की मैपिंग आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लॉक के लिए की ऐड कर सकते हैं, उसके बाद राइट हैंड लॉक के लिए, तो ये सारी की मैपिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये इसमें एक एडिशनल टास्क हो जाता है। तो होपफुली जब नेक्स्ट वर्जन आएगा पांडा गेम पैड प्रो का तो उसमें आपको की मैपिंग मिल जाएगी, लेकिन तब तक के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी की मैपिंग खुद से करनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी बता दूं दोस्तों मैं कि पांडा गेम पैड प्रो एक पेड एप्लीकेशन है, आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये प्ले स्टोर पर मिलेगा, या फिर आप इसका मॉड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप गूगल में सर्च करके उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मॉड एप्लीकेशन होगा। तो उसके बाद ऐप है मैंटिस गेम पैड प्रो। तो मैंटिस गेम पैड प्रो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% फ्री ऐप है, ऐसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपको मॉड वर्जन भी डाउनलोड नहीं करना है, इसको ऑथेंटिक वर्जन आपको ये मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, लेकिन इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको भी आप PC से एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर मोबाइल टू मोबाइल एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों वीडियो मैंने बना रखे हैं आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे गेम ऐड कर सकते हैं। तो इससे भी अगर मैं गेम ओपन करूँगा तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे की मैपिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगी कोई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका पैकेज नेम चेंज हो चुका है, तो इसके अगेंस्ट में जो पहले PUBG के अगेंस्ट में जो की मैपिंग होती थी वो अब नहीं मिलेगी। तो ये सब जब नया वर्जन आएगा इनका तब सारे में आपको की मैपिंग मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए इसमें भी आपको करना पड़ेगा आपको की मैपिंग, उसके बाद ही आप खेल सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों में आपको की मैपिंग मिलेगी नहीं, अब पांडा गेम पैड प्रो आपको पैसे चुका के मिलेगा, या फिर आप उसका मॉड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंटिस गेम पैड प्रो का आपको ऑथेंटिक वर्जन मिल जाएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों सेम ऐप हुए दोस्तों, दोनों में आपको की मैपिंग नहीं मिलेगी, दोनों को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, बस अंतर इतना है कि आपको प्ले स्टोर में इसके लिए पांडा गेम पैड प्रो के लिए पैसे देने पड़ेंगे और मैंटिस गेम पैड प्रो आपको फ्री मिल जाएगा। तो उसके बाद दो ऐप और है दोस्तों, एक है शानवान गेम पैड, एक है मंकी गेम पैड। तो इन दोनों को मैंने अलग कैटेगरी में क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में आपको की मैपिंग मिल जाती है। चलिए मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं शानवान गेम पैड ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस ऐप को भी आपको सबसे पहले तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये भी सेम एक्टिवेशन वाला प्रोसेस फॉलो करता है इसमें भी। तो सबसे पहले इस ऐप को कंप्यूटर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको कंप्यूटर से एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसमें मोबाइल टू मोबाइल एक्टिवेशन का अभी कोई तरीका नहीं है, इन फ्यूचर कभी आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए कंप्यूटर से करना पड़ेगा।
तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे एक्टिवेट करें। इसमें एक और खास बात है दोस्तों, इसे एक्टिवेट करने के बाद इससे पांडा गेमपैड प्रो में काफ़ी जैसे इशू आते हैं, जैसे अनप्लग करने पे डीएक्टिवेट हो जाता है या फिर यूएसबी डीबगिंग बंद करके चालू करने पे डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये ऑटो वेकअप हो जाता है। इसमें जब भी आप यूएसबी डीबगिंग ऑफ कर देंगे और उसके बाद ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। बस इसे एक बार एक्टिवेट करना है, फिर जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी करें, इसे ऑफ करें या फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें अनप्लग करके अगर डीएक्टिवेट हो गया तो ये ऑटोमेटिक दोबारा एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसमें एक्टिवेशन की बहुत कम समस्या आती है, तो बस इसे एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पीसी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन की बहुत कम समस्या आती है, एक बार बस एक्टिवेट कर लें बस उसके बाद हो जाता है। और इसमें और भी ये है कि इसमें आपको बाई डिफ़ॉल्ट आपको BGMI की मैपिंग मिल जाएगी, तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको इसमें एक्टिवेट करके गेम पैड कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे BGMI ऐड करना है ऐड गेम करके, ये जैसे कि मैंने कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे गेम्स हैं, ये सारे गेम्स की मैपिंग पहले से सेव कर रखी है, तो कोई भी गेम जैसे आप खेल रहे हैं, जैसे आप पबजी खेल रहे हैं तो पबजी में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे की पोजीशन, तो की पोजीशन में आपको दिखा देगा कि ये की मैपिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह आप प्ले कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं डाउनलोड की पोजीशन का है, तो इसे सबसे पहले आप डाउनलोड की मैपिंग कर लें। देखा आपने नीचे यहाँ पे डाउनलोड की मैपिंग हो गया, तब डिफ़ॉल्ट में सेट हो गया। उसके बाद आप ये गेम अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च करेंगे लॉन्च गेम, तो उसके बाद आपका ये गेम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे शानवान गेम पैड का आपको ये यहाँ पे की मैपिंग का ये डाल देगा। जब इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो की मैपिंग हमने डाउनलोड करी थी वो यहाँ पे आ गई। तो इसमें सबसे अच्छा ये ऑप्शन है कि दोस्तों आपको की मैपिंग आपको मैनुअली सारी करनी नहीं है, एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। और इसमें एक्टिवेशन अगर आपके पास पीसी है तो एक्टिवेशन की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, सिंपली एक बार एक्टिवेट करके आप इसे इजीली खेल सकते हैं। तो उसके बाद तीन ऐप हो गए ये एक्टिवेट करने वाले, यानी कि इन तीनों ऐप को आपको या तो कंप्यूटर से या तो मोबाइल टू मोबाइल या फिर आप यूएसबी डीबगिंग ऑन करके जो भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए, उन्हें एक्टिवेट करने के बाद ही आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप एक्टिवेशन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते दोस्तों, तो फाइनली एक ऐप है मेरे पास मंकी गेम पैड प्रो, जिसमें आपको ना ही कोई एक्टिवेशन लगेगा और ना ही आपको आईडी बैन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 100% बैन सेफ एप्लीकेशन है, सेम पांडा गेम पैड प्रो, मैंटिस गेम पैड प्रो और शानवन गेम पैड की तरह। इसमें भी आपकी आईडी बैन नहीं होती, लेकिन इसे आपको एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ता, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस मंकी गेम पैड में। लेकिन इसमें कुछ और भी खामियां हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर कुछ खूबियाँ होंगी तो कुछ खामियां तो होंगी ही, सारा ऐप तो परफेक्ट होता नहीं है। तो मंकी गेम पैड में आप जब आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप मंकी गेम पैड ओपन हो जाएगा, तो इसे कैसे सेटअप करना है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऊपर आपको आई बटन पे या फिर आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मंकी गेम पैड को करके सर्च करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। तो इसे सेटअप करना बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका 400-500 MB की फाइल लोड होगी सबसे पहले जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपका प्ले स्टोर यहाँ पे दिखेगा सबसे पहला ऑप्शन, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो बेसिकली ये VM बेस है दोस्तों, ये इंटरनली एक VM यूज़ करता है, तो आप अपना गूगल प्ले लॉगिन देते हैं गूगल का अकाउंट का, तो एक दूसरा डिवाइस सेटअप होता है इसी के अंदर, तो उसकी आपको जीमेल में आता भी है कि यू आर ट्राइंग टू सेटअप अनदर डिवाइस, तो वो भी आपको अलाउ करना पड़ता है। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐप बेसिकली आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करी है, 100% फ्री ऐप है। तो इसमें तो 400-500 MB की वो जो VM की फाइल डाउनलोड होगी वो लगेगा, और उसके बाद आपको ये गेम सारा दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास लोकल में यहाँ पे गेम है लेकिन मंकी गेम पैड प्रो से कोई मतलब नहीं है आपको, आप जब लॉगिन कर लेंगे गूगल प्ले से तो आपको यहाँ पे दोबारा गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये इसमें खामी है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ खामियाँ हैं, तो ये इसमें खामी है कि आपका स्टोरेज डबल लेगा ये, अगर आपको इसी से खेलना है तो स्टोरेज डबल ना करने के लिए आप ओरिजिनल गेम जो आपका यहाँ पे है ये आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उस गेम को आप मंकी गेम पैड प्रो के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं, तो इससे आपका स्टोरेज बच जाएगा। लेकिन आपका डेटा जो है जब आप उसे दोबारा डाउनलोड करेंगे तो डेटा तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पबजी सर्च करेंगे, BGMI सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर डाउनलोड करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया बैक जाके आप मंकी गेम पैड प्रो के स्क्रीन मेन स्क्रीन में जाके वहाँ पे आपको वह दिख जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से खेल सकते हैं।
तो अगर ये सारा प्रोसेस देखना है आपको कैसे करना है, तो आप मंकी गेन पैड प्रो का वीडियो देखें मेरा, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ से आपको दिख जाएगा कि आप कैसे उसे सेटअप करें, कैसे गेम खेलें। तो जब मंकी गेम पैड प्रो आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मंकी गेम पैड का एक ऊपर आइकन आ जाएगा जब आप BGMI ओपन करेंगे इससे, और यहाँ पे आपको सारी की मैपिंग मिल जाएगी। तो इसमें जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको की मैपिंग भी पहले से ही मिल जाएगी, तो ये भी इसमें बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मुझे की मैपिंग मिली थी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सेटअप ज़्यादा करना पड़ेगा, इधर उधर बटन थी तो सारे सेटअप करने पड़ेंगे, तो आप वो थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लें, जैसे इस जो भी है आप इधर उधर करके उसके बाद आप इसे सेव भी कर सकते हैं और ये की मैपिंग सेव हो जाएगी। तो यहाँ से आपका मंकी गेम पैड ओपन हो गया। तो ये चारों ऐप के बारे में आपको बता दिया मैंने दोस्तों कि आप कैसे BGMI खेल सकते हैं हर एक ऐप से। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो मेरे लिए यही है मंकी गेम पैड, जिससे आपको एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बस यही है आपका डेटा लगेगा काफ़ी दोबारा गेम डाउनलोड करने में, और आपका स्पेस भी थोड़ा लगेगा। तो स्पेस के लिए आप ओरिजिनल गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आपको डेटा नहीं लगाना और आप दूसरे अपना गूगल पे लॉगिन नहीं देना चाहते, या फिर किसी अंदर वर्चुअल मशीन में आप अपने गेम को नहीं खेलना चाहते, डायरेक्ट खेलना चाहते हैं अगर कुछ, तो फिर आप बेसिकली आप ये Xiaowen गेम पैड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास PC है तो एक्टिवेट कर लें, अगर आपके पास PC नहीं है फिर भी आपको खेलना है इससे, नहीं खेलना मंकी गेम पैड प्रो से, तो आप मैंटिस गेम पैड प्रो यूज़ कर सकते हैं। मैंटिस गेम पैड प्रो को आप मोबाइल टू मोबाइल भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल टू मोबाइल भी एक्टिवेट नहीं करना, तो आप पांडा गेम पैड प्रो यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंगल मोबाइल का एक्टिवेशन का वीडियो मैंने बना रखा है एंड्रॉयड 9, 10 का, और एंड्रॉयड 11 का मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ कि आप उसे कैसे एक्टिवेट करें। तो एंड्रॉयड 11 में काफ़ी ईजी होगा एक्टिवेशन दोस्तों, क्योंकि उसमें आपकी वायरलेस डिबगिंग सब में होती है, तो उसमें काफ़ी ईजी रह जाएगा। तो इस तरह आप अपना सुटेबल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को कैसे गेम पैड से खेलें, कैसे कंट्रोलर से खेलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक गेम प्ले दिखा देता हूँ, इसको मैं आपको Xiaowen गेम पैड से एक गेम प्ले दिखा देता हूँ कि इसे कैसे खेलते हैं। चलिए फटाफट गेम ओपन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ताकि ऐसे ही जो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।